मॉकअप्स डिजाइन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। ये स्किल आपको एक बेटर डिजाइनर बना सकती है, आपको करियर में ऊंचाइयां दिला सकती है, आपको डिजाइन की बारीकियां सिखा सकती है। इसका राज हम खोलेंगे इस एपिसोड में, जो आपके डिजाइनिंग स्किल को और बेहतर कर देगी, फिर चाहे आप करियर के किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। तो अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे ये सब। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिले तो इसे आपके दूसरे डिजाइनर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैप्टर 1, व्हाट इज अ मॉकअप? एक मॉकअप क्या होता है? तो टेक्निकली मॉकअप एक मॉडल या डिजाइन का प्रारूप होता है, जो एक प्रोडक्ट कैसा दिखेगा वो बताता है। जनरली हम मॉकअप्स फीडबैक गैदरिंग, मतलब फीडबैक लेने के लिए बनाते हैं। ये बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, इनमें कोई एनिमेशन या ट्रांजिशन नहीं होते हैं। आपको एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने सुना या शायद देखा भी होगा, पुलिस कई बार मॉक ड्रिल्स करती है, यानी एक फेक सिचुएशन क्रिएट की जाती है और उससे कैसे निपटे उसकी प्रैक्टिस की जाती है। सेम वे एक प्रोडक्ट टीम भी मॉकअप्स क्रिएट करती है और उसे शेयर करती है, जिससे उन्हें पता चल सके कि डिजाइन प्रॉब्लम सही से टारगेट हुई है या नहीं, यूजर को प्रोडक्ट पसंद आया है या नहीं, और इसी बेसिस पे अपडेट्स करके फाइनल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें चेंजेस के चांसेस या तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल रहते ही नहीं हैं। चैप्टर 2, मॉकअप्स वायरफ्रेम से अलग कैसे हैं? हाउ मॉकअप्स आर डिफरेंट फ्रॉम वायरफ्रेम्स? आपने लास्ट एपिसोड में समझा था वायरफ्रेम्स क्या होते हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं यहां ऊपर दे रहा हूं, इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। तो जैसे हमने पहले जाना था, वायरफ्रेम एक स्केलेटन की तरह काम करता है, बेसिक और इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है। वैसे ही मॉकअप्स उस स्केलेटन की ऊपरी स्किन होते हैं, जिसका फोकस प्रोडक्ट दिखेगा कैसा उस पर ज्यादा होता है। वायरफ्रेम्स में एलिमेंट्स की पोजीशन पर फोकस नहीं किया जाता, जबकि कौन कौन से एलिमेंट्स उस स्क्रीन या प्रोडक्ट में आने चाहिए उस पर फोकस होता है। वहीं मॉकअप्स में एलिमेंट्स की पोजीशनिंग डिसाइड की जाती है कि किस एलिमेंट को किस जगह रखने पे उसकी यूजेबिलिटी बढ़ सकती है। वायरफ्रेम्स प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है उस पर फीडबैक के लिए यूज किए जाते हैं, वहीं मॉकअप्स सॉल्यूशन कैसा दिखेगा उस पर फोकस्ड होते हैं। चैप्टर 3, टाइप्स ऑफ मॉकअप्स। कितने प्रकार के मॉकअप्स होते हैं? हम इसे दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, फीडबैक गैदरिंग मॉकअप्स, यानी जिन मॉकअप्स की मदद से हम फीडबैक इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंटेशन मॉकअप्स, जो प्रेजेंटेशन के लिए बनाए जाते हैं, जरूरी नहीं उस पर फीडबैक लिया जाए। तो पहले वाले को समझते हैं, फीडबैक गैदरिंग मॉकअप्स। जब हम कोई वेबसाइट या ऐप डिजाइन करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो हमें फाइनलाइज करनी होती है, जैसे थीम क्या होगी, कार्टूनिश होगी, सोफेस्टिकेटेड होगी, प्लेन एंड सिंपल होगी, फंकी होगी, एंड सो एन एंड सो मोर। उसी के साथ हमें डिसाइड करना होता है कि उसमें टाइपोग्राफी कैसी होगी, फॉन्ट कौन कौन से यूज करने चाहिए, कलर कौन से यूज होंगे, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर क्या होगा, बटन की शेप क्या होगी, राउंड, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, एंड ओवरऑल लेआउट कैसा दिखेगा। इन सब की कॉम्बिनेशंस को बनाकर हम फीडबैक के लिए क्लाइंट्स या टेंटेटिव यूजर्स के साथ मॉकअप्स शेयर करते हैं, और ये फीडबैक इनकॉर्पोरेट करके एक फाइनल डिजाइन तैयार की जाती है। वहीं दूसरा टाइप है प्रेजेंटेशन मॉकअप्स, जिसे हम यूज करते हैं टू प्रेजेंट लोगो, स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट्स, ग्राफिक्स, जो मोस्टली फिजिकल फॉर्म में फाइनली प्रोड्यूस होने वाले हों। प्रेजेंटेशन मॉकअप से हमें यह पता चलता है कि हमारी डिजाइन अलग अलग एनवायरमेंट्स में कैसी दिखेगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे कैसी दिखेगी, जिससे एक फाइनल सेंस मिल जाए कि हाँ, जो ऑब्जेक्टिव हम पाना चाहते हैं डिजाइन से, वो अचीव हो रहा है या नहीं। चैप्टर 4, हाउ मॉकअप्स हेल्प्स इन डिजाइन प्रोसेस। मॉकअप्स कैसे मददगार होते हैं एक डिजाइन प्रोसेस में? पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ मॉकअप्स। कंपनीज बहुत सारी प्रोडक्ट कॉस्ट बचा सकती है मॉकअप्स बनवा के, जैसे कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन रीइटरेटिंग डिजाइंस टू गेट यूजफुल सॉल्यूशन फॉर एंड कस्टमर्स। दूसरा, हेल्प्स इन फाइनलाइजिंग द कलर पैलेट। और तीसरा, ये मदद करती है टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स, आइकनोग्राफी, इलस्ट्रेशंस और ओवरऑल लुक एंड फील डिजाइन करने में। चौथा, ये मदद करती है टू गेट अ सेंस ऑफ सीइंग अ फाइनल प्रोडक्ट, जबकि वो एक रियल नहीं है। तो यह थी कुछ बातें मॉकअप्स पे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोटोटाइप्स के बारे में और जानेंगे यह स्किल क्यों जरूरी है और यूएक्स एंड डिजाइन प्रोसेस में इसकी क्या वैल्यू है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मुझे कमेंट करके बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू देयर। सब्सक्राइब करना ना भूलें,
मैं हर हफ्ते डिजाइन करियर और यूएक्स पे वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे हर नए वीडियो का।